इसकी ब्रेक ही नहीं है भाई साहब। हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल यासर व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब भाई, होप एकदम ठीक ठाक और बढ़िया से होंगे। तो भाई अभी फिलहाल रमनदीप भाई आ गए अपने पास। कैसे हो रमनदीप भाई? बढ़िया बढ़िया हो। तो अभी हम जा रहे हैं सांबा वाली साइड, कोई गाड़ी लानी है इनको वहाँ पे। कौन सी गाड़ी है भाई? मारुति 800। तो फिलहाल चल रहे हैं हम उसको लेने। तो आ चुके थे हम सांबा। तो ये गाड़ी मारुति जो रमन भाई ने शायद ली है, क्या चक्कर है मुझे तो नहीं पता। तो रमन भाई आपने आगे आगे भाग रहे, तो मैं चला रहा हूँ फिलहाल यही। तो मुझे इसको चलाते आज वो आ रही है अपनी मारुति वाली फीलिंग। जब मेरे पास होती थी मारुति बहुत बढ़िया बनाई थी भाई मैंने, बहुत बढ़िया था। मैं व्लॉगिंग नहीं करता था। तो चलते हैं फिलहाल यहाँ से, अब पीछे पीछे इनके। ओ भाई साहब, इसकी ब्रेक ही नहीं है भाई साहब इसकी ब्रेक तो है नहीं है। तो चलो कोई मसला नहीं है, फिर भी चलाएंगे हम, मस्त चलाएंगे इस गाड़ी को, मस्त गियर गुल डालते हैं। ये देखो आगे ग्लोब से पड़े हुए, क्या पड़ा हुआ डैशबोर्ड पे। तो आरडी व्लॉग्स जा रहे हैं आगे हमारे खतरनाक। तो कितनी प्यारी लुक आ रही है इस गाड़ी की यार, आप चेक कोट करो, बहुत बढ़िया लग रही है। जब ये मतलब वहाँ पे जब हम लेने गए थे ना इसको, तो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी, बट अब देखो यार क्या मस्त चल रही है, मस्त। साइड से लुक देखो भाई इसकी, क्या आतंक लग रही है ना। तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी है, मगर इसकी भी जो है ना 3-4 कर देते हैं रमन भाई जब भी इस पर बैठते हैं। अभी मैं आया इनके साथ, गजब ड्राइव करते रहे भैया गजब। तो भाई जो मेरा दिल है, पता नहीं मैं कहाँ आ गया था, दिल मेरा तक तक कर रहा था, बहुत फास्ट मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो गई थी ना, मैं कहा ये कट, मैं चुप करके बैठा हुआ। मैं हाँ भाई ठीक है चलाओ आप एकदम मस्त। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ा सा। इतना हैवी ट्रैफिक है ना भाई, कट कुट मार के हम निकल रहे हैं, बट क्या बोलूँ, ये लोग जो बीच में आ जाते हैं ना भाई साहब, देखो कहाँ से निकल रही है अपन। तो भाई साहब ऐसे ही निकलते हैं हम, आतंक दड़ाएंगे, आतंक मचा के रखा हुआ। रमन भाई हमें नज़र नहीं आ रहे हैं भैया, अभी हम भी फार्म में। तो चलो कोई सीन नहीं है भाई, निकलते हैं आस्ता आस्ता, ज़्यादा कट कुट भी नहीं मारने। अरे इसकी ब्रेक व्रूक है ही नहीं भाई, ये देखो पूरी ब्रेक दबाई हुई है तब भी नहीं रुकेगी। चलो छोड़ो फिलहाल। थोड़ी सी दौड़ाई लेते हैं यार, ये कोई बेलिनो बुलुनो वाला बीच में आ गया, इसको पता नहीं है आतंक बंदे आ रहे हैं पीछे से। इधर क्या काम चल रहा है भाई, किचड़ कुचड़ बहुत ज्यादा हो रखी है। तो फिलहाल हम भगा ही रहे हैं। कौन है रे ये भाई, ये कहाँ से आते हैं? 84 भी हमारा मीटर चल रहा है, मगर स्टेयरिंग की हालत देखो भाई, भाई साहब ये हो क्या रहा है? ओ भाई, तो यहाँ क्या चल रहा है रे भाई। तो रमन भाई भी पीछे से भागते भागते आ रहे हैं, कोई सीन नहीं भागने दो, बट हम इसका ना पूरा मज़ा लेने वाला है, इस मारुति का पूरा पूरा मज़ा लेंगे रे। आए रमन भाई उस साइड से हवा बनते हुए, ये देखना देखना देखना, ये देखो भाग गया रे भैया ये। कोई नहीं भाई, अपन भी भगाएगा, मस्त भगाएगा। वो देखो देखो क्या कर रहे हैं ये, देखो जो खुद मोटिवेट कर रहे हैं मुझे, भगा बेटा भगा। मगर इसकी भाई इधर देखो, इसकी हालत जो है बहुत बुरी है गाड़ी की भी। फिलहाल भागने में बहुत सही अलाइनमेंट वगैरह है इसका, जो काफ़ी ज़्यादा इशू है, देखो स्टीयरिंग जो है टप 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 टुप टिप कर रहा है। तो यहाँ हमारी रेस लग चुकी है गजब वाली, कोई सीन नहीं भाई। तो फिलहाल थोड़ा थोड़ा रेस लगा लेते हैं और आपको मिलते हैं हम थोड़ा सा आगे जाके। फिलहाल तो रेस ही चलेगी हमारी टापो टाप भाई, वो कहाँ 5 स्पीड और ये कहाँ इसकी, यार क्या बोलें भाई। मैं तो बोलता हूँ रिवर्स डाल के पीछे ही भगा लेता हूँ, क्योंकि आगे भागने का चारा नहीं है रमन भाई के साथ। तो रमन भाई मस्त गियर डाल के भागते हुए। भाई मारुति लवर कौन कौन है कमेंट कर दो जल्दी से अच्छे से, फिर मस्त मारुति ले लेते हैं भगाने के लिए। यार मैंने एक मारुति बेची है, मैं सोच रहा हूँ वो वापस ले लूँ, बंदे ने ट्रांसफ़र भी नहीं कराई, 6 मॉडल है, तो ले लेता हूँ वापस, तो मस्त भगाएगा फिर अपन उसको। तो भाई ये देखो 100 पे जा रही है, बट काफ़ी अच्छी भाग रही है यार, अगर इसकी अलाइनमेंट होती ना मैं इसको 140 भी चढ़ाता, बट अभी क्या बोलूं यार, अभी ये कैसे चढ़ेगी क्योंकि अलाइनमेंट ठीक नहीं है, जो इस टायर है वो बबलिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं फिर भी काफ़ी अच्छे से भगा रहा हूँ, इतने भागने काबिल तो है नहीं ये। तो देखो 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 मस्त कट चल रहे हैं भाई, मस्त। तो जिंदगी बन गए हो भाई, मीटर देखो इसका मारुति का,
साला ब्रेक ही नहीं है इसको रे। तो आप सोच नहीं सकते हमने कितनी गजब ये गाड़ी भगाई है। इसका मीटर मैंने 130 पे भी चढ़ाया बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि इसका स्टीयरिंग ये कर रहा था अपने रमन भाई। आगे टोल कटवाएंगे दोनों गाड़ियों का, अपन नहीं कटवाएगा। तो भाई क्या मजा आ रहा है ना मारुति को दौड़ाने में। 130 भाई मैंने अभी तक लेंजा की नहीं निकाली है भाई, सीरियसली अगर बोलो तो 130 मैंने इसकी निकाली। आप सोच सकते हो फिर आप कितने हैवी ड्राइवर है। तो चलो कोई सीन नहीं, 0030 वाले जो बंदे हैं वो बड़े खतरनाक हैं भाई। मैं जब भी गाड़ी चलाता हूँ मुझे तब तक फील नहीं आता जब तक ये चीज़ें इसकी कैप उतरी ना हो, तो मैंने इसकी उतार दिया। रमन भाई चलेंगे अपने घर, तो ये गाड़ी मेरे पास ही रहने वाली है एक दो दिन शायद, उसके बाद बिल्ली मेरे पास आ जाएगी तो वो मेरे पास ही रहेगी, तो ये ले जाएंगे रमन भाई। तो चलो देखते हैं भाई क्या रहता है आगे, फ्यूचर में मस्त होने वाला है सब कुछ यार। अभी फिलहाल यहाँ से चलता हूँ रूम पे, तो ये गाड़ी रूम पे छोड़नी है और उसके बाद रमन भाई भी आ जाएंगे मेरे पास। अभी वो घर पे गए हैं तो वो आएंगे मेरे पास, उसके बाद मस्त होगा जो भी होगा मस्त होगा भाई। कल एक सीन हो गया है, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से कम 20 मिनट भी लग जाते हैं, कभी कभी आधा घंटा भी मुझे लगा है। तो यहाँ से 2 किलोमीटर में मुझे 2 घंटे भी लगे हैं, इतना हैवी वाला जाम भी लगा था। बट अभी तो फिलहाल उतना नहीं है यार, ये गाड़ी ना गियर निकाल रही है, खुद गियर निकाल रही है, खुद डाल रही है, वो निकाल रही है, खुद डाल रही है, पता नहीं क्या चक्कर है इसका, क्या लोचा है यार। चलो जो भी है फिलहाल चलते हैं रूम में मस्त।